नमस्कार, मैं हूं विदिशा शांडिल्या और आप सब देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। कुरुक्षेत्र के रहने वाले राघव गुप्ता का करनाल के समीप भाखड़ा नहर से शव बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें कि राघव गुप्ता एक सप्ताह पहले नदी किनारे अपने दोस्त के साथ घूमने गया था, तो जैसे ही वह नदी के किनारे पैर लटका कर बैठा तो अचानक नरवाना भाखड़ा ब्रांच नहर में गिर गया था, जिसकी पुलिस व गोताखोरों द्वारा पिछले एक सप्ताह से तलाश की जा रही थी, जिसकी डेड बॉडी आज करनाल के समीप नहर से मिली है, जिसके परिजनों द्वारा गले में डाले गई चैन व कपड़ों के आधार पर शिनाख्त कर ली गई है। वही पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि नरवाना भाखड़ा ब्रांच में कोई डेड बॉडी फंसी हुई है, तो मौके पर जाकर गोताखोरों की मदद से डेड बॉडी को बाहर निकाला गया। बाद में मृतक राघव के परिजनों को सूचना दी गई। मृतक राघव के परिजनों ने मौके पर पहुंचकर शव की पहचान की। इधर राघव के परिजनों ने बताया कि राघव अपने दोस्त के साथ नदी में गया था, जहां डूबने से उसकी मौत हो गई थी और डेड बॉडी आज तक नहीं मिली थी, जिसके लिए तलाश जारी थी। उन्होंने बताया कि राघव परिवार का इकलौता बेटा था और वह महाराणा स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहा था। इस हादसे से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वही पुलिस ने शव को गोताखोरों की मदद से निकाल कर एवं पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। जिले के लिए बहुत ही दुखद और दर्दनाक घटना है। और देखो, पहली बात तो ये कि जब भी कोई नहर में कोई हादसा होता है तो वो सभी घटनाएं बहुत दर्दनाक होती है, लेकिन ये दो घरों का इकलौता बच्चा था, तीन बहनों का, ये जो 15 साल का बच्चा था तो अपने साथी के साथ ये नहर पर आया था, तो पैर तिसलने के बाद इसका जो ये नरवाना ब्रांच नहर में डूब चुका था। और पिछले 7-8 दिन से हमारी जो गोताखोर प्रगट संधु टीम साथी नरिंदर, सिंदर, रोबिन या गोपी की तरफ या पूरे परिवार की बात करें तो ये रात दिन लाइटें लगाकर, जनरेटर लगाकर परिवार बैठा हुआ था। तो अभी आधा घंटे पहले सौकड़ा जो हमारे पुल पर नंबर लिखे हुए थे तो किसी अनोन पर्सन ने फोन किया कि सर नरवाना ब्रांच में एक नौजवान की डेड बॉडी जा रही है, तो आप यहां पर आ सकते हैं। तो मैंने फैमिली के साथ संपर्क किया और बाद में जो हमारे साथी गोताखोर सिंदर था वो नहर के अंदर बढ़कर वो बॉडी को जब नजदीक लगाया तो उसके गले में जो चांदी की चैन और उसके अंदर एक छोटा सा सूरज छपा हुआ था, जिसको देखकर उसके मामा विकास और उनकी जो मासी जी हैं कोमल जी, उन्होंने उस बॉडी की शिनाख्त की है। तो फिलहाल यहां पर पूरा परिवार पहुंचा हुआ है। तो पुलिस आ रही है? हाँ जी, कुरुक्षेत्र पुलिस को तुरंत मैसेज दे दिया था, तो वो त्रोड़ी के आसपास वो भी पहुंच चुके हैं और अब जल्दी इस बॉडी को निकालकर पुलिस के और परिवार के हवाले और जो हमारी टीम के द्वारा लगातार 19 सालों से सेवा की जा रही है, तो वो आज भी हम ये सेवा निभाएंगे। इससे पहले भी राघव को लेकर पिछले 3 दिनों में लगातार 3 डेड बॉडियां नहर से बरामद हो चुकी है, तो ये चौथी बॉडी जो आज राघव की मिली उनके परिवार के साथ है। जी सर, अपने दोस्त के साथ नहर पर आया, वो तो उसके साथ ये बड़ा बुरा हुआ, एक दुखद घटना हुई जी। और 7-8 दिन से पूरे परिवार दुखी है और आज आके यहाँ पर मिला है। चेहरे से तो हमें नहीं पहचान हुई, पर ये पता था इसके गले में चेन डाली हुई है और लॉकेट डाला हुआ है और कपड़ों से हमने इसकी पहचान की। तो कहाँ स्टडी करता था मैम ये? ये महाराणा प्रताप स्कूल। कौन सी क्लास में जी? 10th क्लास में था। तो इकलौता बच्चा था घर का? हाँ जी, इकलौता था ये। लगातार 7 दिन से ढूंढ रहे थे आप? बिल्कुल, लगातार 7 दिन से दिन रात नहर के किनारे बैठे हुए हैं। 2 बार नहर में भी तलाश कराई प्रगट भैया की, इनकी मदद से जी, पर नहीं मिला। कहाँ लाश मिली है मैम? करनाल के अंदर ये के पास, जैसे इन्फॉर्मेशन भी इनका फोन आया कि भी ऐसे ऐसे है, चलो मैं तभी इनको लेके यहाँ पर पहुँची। अभी सारा परिवार है यहाँ पर, दुखद घटना है। आपका नाम है? कोमल। बात है 5 फरवरी की, ये राघव गुप्ता अपने दोस्त के साथ एक्टिवा पे, इसका दोस्त था आशीष, वही कुरुक्षेत्र के थे, दोनों फ्रेंड थे, एक ही कोचिंग सेंटर में पढ़ते थे। ये लड़का जो है महाराणा प्रताप स्कूल में पढ़ता था, ये राघव गुप्ता जिसकी बॉडी मिली आज, और इसका एक साथी था आशीष, दोनों ही कोचिंग सेंटर पर जाते थे। उस दिन गए नहीं कोचिंग सेंटर में बुक्स लेने के लिए, मार्केट की तरफ चले गए। तो फिर ये राघव गुप्ता ने उसको बोला आशीष को, चलो नहर दिखा के लाता हूँ, नहर की तरफ चले गए। फिर ये वहाँ जाने के बाद ये नहर के किनारे बैठ गया राघव, डबखेड़ी की नहर है, भाखड़ा नहर है जो कुरुक्षेत्र में ही है, नरवाना ब्रांच जो जा रही है वहाँ पे पैर लटका के बैठ गए, वहीं उसी टाइम इसका पैर फिसल गया। तो आप परिवार से हैं? आप कहाँ से हैं? मैं हेड कांस्टेबल मैं शुरू से इसकी इंक्वायरी कर रहा हूँ, 7 दिन से तलाश कर रहे हैं हम, 7.5 दिन से। तो फिलहाल कहाँ से डेड बॉडी मिली है जनाब? ये नडाना नियर नडाना गांव है जी, इसमें मिली है।
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन। World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.